नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में आज भी हाई टाइड की आशंका जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि 4 मीटर से भी ऊंची लहरें मुंबई में उठ सकती है। हम आपको बता दें, बीएमसी की तरफ से पहले ही 18 तारीख तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 18 तारीख तक हाई टाइड उठ सकते हैं, इसीलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और जो समुद्र का किनारा है वहां पर जाने के लिए मना किया गया है। दोपहर 1:30 बजे की बात बताई जा रही है, मुंबई में आज भी हाई टाइड की आशंका है और दोपहर 1:30 बजे हाई टाइड आ सकता है। 4 मीटर से भी ऊंची लहरें उठ सकती है मुंबई में, आज भी हाई टाइड लोगों को देखने को मिल सकता है और ऐसे में खास करके जो मछुआरे हैं उन्हें तो बिल्कुल ही समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दे दी जाती है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी मना किया जाता है कि समुद्र के जो इलाके हैं, समुद्र से सटे इलाके, वहां पर ना जाएं। लेकिन आपको बता दें कि पहले दिन जैसे ही हाई टाइड आया था मुंबई में, कई इलाके जो समुद्र से सटे हुए हैं वहां पर घरों में पानी घुस गया था, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, सड़कों में पानी आ गया था, यहां तक कि गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने जो ताज होटल है, बताया जा रहा था कि उसके गेट तक, उसके दरवाजे तक समुद्र की लहरें आकर टकरा रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होंगी जो कि सड़क को पार कर होटल के दरवाजे तक पहुंच गई थी। और आज भी कुछ ऐसी ही लहरों की बात कही जा रही है, 4 मीटर से ऊंची लहरें उठ सकती है। आपको बता दें कि बीएमसी ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और खास करके तमाम सुरक्षा और चौकसी भी बरती जाती है ऐसे मौकों पर, खास करके जब इस तरह की बात रहती है, आशंका रहती है कि हाई टाइड आ सकता है अगले 3 दिन में, बताया जा रहा था यानी कि आज या कल में मॉनसून हिट कर सकता है, बारिश हो सकती है मुंबई में, ये बात भी बताई जा रही थी। तो तमाम जानकारी हम आपको एक एक करके देंगे और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ वहां से जुड़ेंगे, उनसे और जानकारी लेंगे। और अब आपको 2 शहरों का हाल बताते हैं, मुंबई का और दिल्ली का। आपको बता दें कि मुंबई में हाई टाइड की बात कही जा रही है, 1:30 बजे हाई टाइड आने की आशंका है। तो दिल्ली में मौसम सुहाना हो गया है, लगातार आप देख सकते हैं झमाझम बारिश हो रही है यहाँ पर और मौसम खुशगवार हो गया है दिल्ली वालों को और दिल्ली के आसपास जो दिल्ली NCR का इलाका है वहाँ पर दिल्ली वालों का खुशी का ठिकाना नहीं होगा, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि पारा यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा था हर दिन के साथ। 46 से 47 डिग्री तक का पारा देखा है दिल्ली वालों ने, जहाँ पर लोगों को बाहर निकलना एक सज़ा से कम नहीं लग रहा था। ऐसे में झमाझम बारिश का होना किसी तोहफे से कम नहीं है उनके लिए, बेहद राहत और सुकून की खबर दिल्ली वालों के लिए। तो दूसरी तरफ मुंबई में हाई टाइड की आशंका है जिससे कि खासी परेशानी हो सकती है लोगों को, क्योंकि पिछली बार अभी कुछ दिनों पहले जब हाई टाइड आया था मुंबई में, ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठी थी तो वहां पर ट्रैफिक में खासी दिक्कत हो गई थी, सड़कों में पानी भर गया था, पार्किंग एरियाज में वहां पर पानी भर गए थे और लोगों के घरों तक में पानी चला गया था। और दिल्ली की तस्वीरें आप देख ही सकते हैं, न सिर्फ पंछी जो बाहर में हैं वो मजे ले रहे हैं इस मौसम का, बल्कि दिल्ली के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, दिल्ली वासी, वो भी इस मौसम का लुत्फ उठा रहे होंगे। जाहिर सी बात है, हर रोज रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जिस तरह से दिल्ली में हो रही थी, विजय चौक का इलाका आपको हम दिखा रहे हैं और संगम विहार, झमाझम बरसता पानी सुकून देता दिल्ली वालों को। वीकेंड है और ऐसे में उनके लिए इस वीकेंड को और सुहाना बनाने का इससे अच्छा और तोहफा कुछ नहीं हो सकता, अगर बारिश हो जाए और वीकेंड में खास करके, ऐसे में लोगों के लिए इससे अच्छा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कई सैलानी ऐसे हैं जो खास करके दिल्ली घूमने के लिए आए हैं, बड़ी मुश्किल से सुबह सुबह ही वो निकल कर इंडिया गेट और आसपास की चीज़ों को देख लिया करते थे, लेकिन कोशिश रहती थी जल्द से जल्द वो अपने कमरे में, अपने होटल में लौट जाए। लेकिन तस्वीरें अब बिल्कुल दिल्ली की बदल गई है पिछले 2-3 दिनों से, और आज जिस तरह से एक बार फिर झमाझम बारिश हुई है उससे तो नज़ारा ही कुछ और हो गया है।
दिल्ली की खबर आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको हम मुंबई की बात बता दें। मुंबई में 1:30 बजे बताया जा रहा है हाई टाइड मुंबई में आ सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है और 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है। आपको बता दें पहले ही 18 तारीख तक बीएमसी ने अलर्ट जारी किया हुआ है और लोगों को सतर्क किया है कि वो समुद्र के किनारे ना जाएं। यहाँ पर 6 बीच हैं, 6 समुद्री तट हैं, वहाँ पर खास करके चौकसी बढ़ा दी गई है और पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और बीएमसी जो है वो पूरी तरह से चौकसी बरतते हुए लोगों को खास करके अपील लोगों से किया है, जो स्थानीय लोग हैं उनसे अपील किया है कि समुद्री तट पर वो ना जाएं। हमारे संवाददाता सूर्य सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य, क्या कुछ जानकारी है आज आपके, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी है आपके पास आज के हाई टाइड को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वॉचआउट का सिग्नल दिया गया है, बुधवार तक जो है 4 मीटर से ऊपर की हाई टाइड बताई गई है और इसके लिए बीएमसी के वादे तो बहुत सारे किए गए हैं। इस बार बोला गया है कि 50 से ज्यादा पर्सनल डिप्लॉय किए जाएंगे गिरगांव, वर्ली, दादर, वर्सोवा जैसे एरियाज पे और इसके अलावा नेशनल डिजास्टर फोर्स डिप्लॉय की गई है, सिविक सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं, गेटवे ऑफ इंडिया पर स्पेशली ज्यादा। सूर्य हमें बता रही थी कि किस तरह से हाई टाइड को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे इसका ध्यान रखते हुए पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें और खास करके ये मुंबईकर्स के लिए है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें और खास करके जब इस तरह की चेतावनी दे दी गई है तो आप कतई समुद्र के किनारे ना जाए, जो समुद्री तट है यहाँ पर उनके किनारे आप ना जाए, अपनी भी जिम्मेदारी आप समझें और ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि आपको बता दें जो 6 बीच है, जो 6 तट है समुद्र का यहाँ पर मुंबई में, वहाँ पर हर जगह बीएमसी की तरफ से जाने को मना किया गया है, लोगों को वहाँ पर नहीं जाने की सलाह दी गई है 18 तारीख तक, क्योंकि हाई टाइड की आशंका लगातार यहाँ पर बनी हुई है और बारिश के दिनों में अक्सर यहाँ पर मुंबई में हाई टाइड की संभावना रहती है और आज जैसा कि बताया जा रहा है 1:30 बजे हाई टाइड की बात बताई जा रही है। बीएमसी ने अलर्ट जारी कर दिया है इसके मद्देनजर और लोगों को चेतावनी दी है।